मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्य लाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एम ए फाइनल की जो 7th पेपर है उसमें ए आर देसाई के बारे में कुछ पढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। ए आर देसाई 1915 से 1994 तक इनका मृत्यु हुई, 1994 और 15 में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम इनका अक्षय कुमार रमन लाल देसाई, ए आर देसाई इनका बहुत बड़ा नाम है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे, अर्थात देसाई साहब जो थे वो मार्क्सवादी विचारों से ओतप्रोत थे। भारतीय समाजशास्त्री अक्षय कुमार रमन लाल देसाई की गणना बॉम्बे विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। देसाई का जन्म बड़ौदा के एक बहुत प्रसिद्ध परिवार में नडियाद में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर बॉम्बे विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में गोरे के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे इसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक और बाद में विभागाध्यक्ष बन गए। देसाई कुछ समय तक भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य भी रहे, किंतु पार्टी से कुछ मतभेद होने पर हो जाने पर 1939 में उन्होंने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। सन 1953 में वे ट्रॉट्स्कीवादी क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य बन गए, किंतु उनकी समझौतावादी प्रकृति न होने और खरी बौद्धिक ईमानदारी ने अंततः सन 1981 में इस संगठन को भी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। फिर भी वे आजीवन अपनी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहे। बॉम्बे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास की द्वंद्वात्मक विषय पर गहन शोध कार्य किया। सन 1964 में ग्रामीण समाजशास्त्र फ्रांस में आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन में देसाई ने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसी क्रम में उन्होंने सोवियत रूस और अन्य यूरोपीय देशों के व्याख्यानों के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। सन 1971 में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने पुनः जनसंख्या और गरीबी पर आयोजित एक संगोष्ठी में सुसेंस में भाग लिया। सन 1976 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों में भाषण देने तथा संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। देसाई भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। वे इस संस्था के 1978 और 80 तक सत्र के अध्यक्ष थे तथा सन 1951 में यूनेस्को की एक कार्य योजना भारत में समूह तनाव के सह निदेशक थे। वे इसी संस्था के बॉम्बे के औद्योगिक श्रमिकों की साक्षरता और उत्पादन संबंधी कार्य योजना के मानद निदेशक भी रहे। देसाई इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के राष्ट्रीय शोधार्थी 1981-83 भी रहे। देसाई की प्रथम प्रमुख कृति भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि हिंदी अनुवाद न केवल अपने मार्क्सवादी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य के कारण एक नवीन प्रवृत्ति स्थापित करने वाला एक गौरव ग्रंथ क्लासिक रहा है, अपितु इसे भारत में समाजशास्त्र का इतिहास के साथ समागम करने वाली एक उत्कृष्ट प्रथम कृति कहा जा सकता है। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और पद्धति का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग किया। वास्तव में देसाई ही भारत के समाजशास्त्र के पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी विचारधारा और पद्धति का प्रयोग कर दूसरे शोधकर्ताओं को इसकी राह दी। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवाद को खंगाला गया तथा ये बताया गया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अंतर्विरोधों से आक्रांता भारत की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। देसाई ने इसमें भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में भूमिका का भी मूल्यांकन किया। इस पुस्तक की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के वर्ग चरित्र की विवेचना पहली बार की गई है।
वास्तव में यह ग्रंथ देसाई की पीएचडी की उपाधि के लिखे गए शोध प्रबंध की उपज है। देसाई ने इस ग्रंथ के बाद कई भिन्न विषयों में जैसे भारतीय समाज, कृषक समाज व्यवस्था, प्रजातांत्रिक अधिकार, नगरीकरण, कृषक आंदोलन आदि पर लिखा। उनकी भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र नामक संपादित पुस्तक अपने विषय की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक मानी जाती रही, जिसने अब तक कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने इसमें अपनी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार रही हैं: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1960s, इंडियन फ्यूडियल स्टेट्स एंड नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल, गांधी जी ट्रुथ एंड नोविलेंस यार्ड, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया एडिटेड बुक है 1969, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन विथ पीएचडी पिलाई 1970, एसेज ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी। इस प्रकार इनकी अपनी कुछ पृथक कुछ कृतियाँ रही हैं। इसी के साथ अब अपन नेक्स्ट जो है देखेंगे डीपी मुखर्जी, क्योंकि जब अपन इन विद्वानों की बारे में जान लेंगे तो हम इनकी आसानी से इनके सिद्धांतों को भी समझ पाएंगे। तो दूसरे हैं डीपी मुखर्जी, धूर्जति प्रसाद मुखर्जी, ये 1894 to 1962, ये भी लगभग एआर देसाई के समकालीन ही रहे हैं। अपने शिष्यों, प्रशंसकों तथा बुद्धिजनों के बीच आमतौर पर डीपी के नाम से जाने पहचाने जाने वाले धूर्जति प्रसाद मुखर्जी एक अन्य मुखर्जी जो थे राधाकमल मुखर्जी के समकालीन विद्वान थे। दोनों ही एक लंबे समय तक लखनऊ विश्वविद्यालय में साथ साथ रहे। डीपी मार्क्सवादी थे, किंतु वे स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री, मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण किया। उनके अनुसार परंपरा तथा आधुनिकता, उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और समूहवाद में द्वंद्वात्मक संबंध है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते तथा होते हैं। मुखर्जी का द्वंद्ववाद का आधार मानवतावाद रहा है, जो संकुचित अंतर्जातीय एवं राष्ट्रीय विचारों की सीमाओं से परे था। उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन को आवश्यक बताया। यही कारण है कि परंपरा का विवेचन मुखर्जी के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने इसके प्रकार, स्तरों, इनमें आपसी द्वंद एवं परिवर्तन का गूढ़ विवेचन किया। यही नहीं, उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य संघर्ष की द्वंद्वात्मक व्याख्या पर भारतीय समाजशास्त्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। भारत में समाजशास्त्र के अन्य प्रारंभिक प्रवर्तकों की भांति डीपी ने भी सामाजिक विज्ञानों में संकुचितीकरण और विभागीकरण की प्रवृत्ति को अस्वीकार किया। मुखर्जी के मतानुसार सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का दृष्टिकोण पृथकतावादी न होकर समष्टिवादी होना चाहिए। वे ज्ञान के विभाजन के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन एक पूर्णतः समष्टि में किया जाना चाहिए। मुखर्जी के आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में आनुभविकता के माध्यम से प्रत्यक्षवाद के बढ़ते प्रभाव का भी विरोध किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रत्यक्षवाद में व्यक्तियों को एकमात्र एक जैविक और मनोवैज्ञानिक इकाइयों के रूप में देखा जाता है। प्रत्यक्षवाद व्यष्टिहीन, व्यष्टियन या व्यक्तिकरण, इंडिविड्यूएशन पर अधिक बल देता है, जो परोक्ष रूप में मानवतावाद पर एक प्रहार है। मुखर्जी के विचारानुसार स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यष्टियन व्यक्तिकरण और समष्टियन समष्टिकरण
के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए पश्चिम के प्रत्यक्षवादी स्वरूप को न अपनाकर समन्वित विकास के एक ऐसे प्रतिमान पर बल दिया जिसमें प्रौद्योगिक विकास और मनुष्य की स्वतंत्रता दोनों में संतुलन बना रहे। मुखर्जी को भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचार परंपरा का अग्रज माना जाता है। उन्होंने भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में हीगल विचारों का द्वंद और मार्क्स बौद्धिक पदार्थों का द्वंद दोनों के द्वंद्ववाणी धारणा से भिन्न द्वंद्वात्मकता का प्रयोग परंपराओं के द्वंद के रूप में किया है। इसी के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की है। इसके लिए उन्होंने आंतरिक एवं बाह्य भारतीय परंपरा का इस्लामिक परंपरा से द्वंद सहित भारतीय परंपरा में निहित उच्च परंपरा और स्थानीय परंपरा के द्वंद का उदाहरण सहित विवेचना की। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने अत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के चवेर्ती चवेर्ती अर्थात आगे बढ़ो की धारणा को स्वीकार किया। मुखर्जी के प्रगति के विकासवादी सिद्धांतों को अस्वीकार किया है और कहा है कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, अभी तो यह मानव को के जीवन के उद्देश्यों पर आधारित एक विचार है। उन्होंने पश्चिम की प्रगति की विचारधारा को वेदांत की शांतम पीस शिवम वेलफेयर और अद्वैतम यूनिटी शांति कल्याण और एकता की अवधारणाओं के साथ समन्वय करने का यत्न प्रयास किया है। अपने समन्वयवादी विचारों की पुष्टि को लिए डीबी ने कहा है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया वाद प्रतिवाद और संवाद के तीसरे चरण में वाद और प्रतिवाद का समन्वय होना आवश्यक है। इस समन्वयवादी विचारधारा के कारण ही उन्होंने वेदांत पश्चिमी उदारवाद और मार्क्सवाद के समन्वय पर बल दिया है। डीपी ने आधुनिकता और परंपरा के अपने विश्लेषण में आधुनिकता के साथ साथ तार्किकता युक्तिमूलकता रोशनालिटी के तत्वों को नहीं जोड़ा है। अपने सभी लेखनों में चाहे आर्थिक सिद्धांत नियोजन भारतीय संस्कृति समाज या व्यक्ति जैसे विषय रहे हो उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि आधुनिकता को देश की संस्कृति के दायरे में देखा परखा जाना चाहिए। डीपी ने आधुनिकरण को एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया माना है जो विस्तार उन्नयन गहनता और पुनर्जीवन का एक ऐसा एक साथ प्रतिनिधित्व करती है। यह पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों से पूर्णतः मुख नहीं मोड़ती है अपितु यह उनका बेहतर तरीके से उपयोग करती है। उनकी उत्पत्ति पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही अंतःक्रिया का प्रतिफल है। इस दृष्टि से आधुनिकरण में परंपरा बाधा नहीं है अपितु यह तो उसकी एक स्थिति है एक दशा है। यह विकल्पों में से एक अच्छे विकल्प के चयन करने की स्वतंत्रता देती है और ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमानों को जन्म देने पर बल देती है जो नवीन और पुरातन के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। आधुनिकीकरण नवीन मूल्यों और संस्थाओं के लिए एक ऐसी आधारभूमि तैयार करती है जिसमें वे अपनी जड़ें जमा सके। अतः मुखर्जी के अनुसार परंपरा आधुनिकता को नकारती है अपितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी से पलवित होती है। संक्षेप में डीपी ने मूल्यों को संतुलन की समस्या के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे को विरोधी न मानकर एक दूसरे का ऐसा पूरक माना है जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सके। कल अपन इनके जीवन के बारे में वो सारी चीज़ें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बेटा।